करनाल मार्केट कमेटी में फिर धान खरीद घोटाला हुआ है। इस घोटाले को लेकर करनाल अनाज मंडी और इसे अंजाम देने वालों में अफरा-तफरी का माहौल है। इस धान खरीद घोटाले को लेकर जिला प्रशासन एकदम से हरकत में आ गया है, जो कि मामला हैरान कर देने वाला है। बिना मंडी में धान के आए ही गेट पास जारी कर दिए गए हैं। इधर इस मामले के प्रकाश में आने के बाद मार्केट कमेटी करनाल और इस कांड के आरोपियों में खलबली मच गई है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि आईएएस आयुष सिन्हा ने अभी महज कुछ दिन पहले ही करनाल में एसडीएम का पदभार संभाला है। उनकी मुस्तैदी और काम करने का तरीका हर किसी के पसीने छुड़ा रहा है। कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। उन्होंने एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि जब एसडीएम को पता चला कि करनाल की अनाज मंडी में प्रवेश द्वारों पर बिना धान आए ही ऑनलाइन फर्जी गेट पास काट दिए गए, तो फिर क्या था, एसडीएम पूरी तरह से हरकत में आ गए। और आना भी क्यों नहीं चाहिए था, क्योंकि अनाज मंडी करनाल में मार्केट कमेटी ने प्रवेश द्वारों पर 8 निजी कर्मचारी रखकर बिना धान आए ही करीब 5.42 करोड़ रुपए मूल्य के 25,724 क्विंटल धान के ऑनलाइन फर्जी गेट पास काट दिए थे। यह मामला आईएएस एसडीएम आयुष सिन्हा के द्वारा की गई जांच में सामने आया। सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग को एसडीएम ने जब जांचा, तब जाकर यह मामला खुला। इसके बाद एसडीएम के निर्देश पर सिटी थाने में करनाल अनाज मंडी के सचिव और 8 प्राइवेट कर्मचारी को नामजद करते धोखाधड़ी, साजिश रचने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। बताया तो यहाँ तक भी जा रहा है कि इसमें काफी अज्ञात आड़तियों के शामिल होने की भी आशंका है। इस मामले के बाद जिला प्रशासन द्वारा सभी अनाज मंडियों में जांच कराने की बात भी कही जा रही है, जिससे अनाज मंडियों व आड़तियों में खलबली मच गई है। यहाँ आपको बताते चले कि 3 नवंबर को एसडीएम आयुष सिन्हा ने देर शाम को अनाज मंडी करनाल पहुंचकर फर्जी गेट पास जारी किए जाने की जाँच शुरू की थी। देखा गया था कि मंडी के गेट से कोई वाहन मंडी में एंटर हुआ ही नहीं और गेट पास धड़ाधड़ कटते चले गए। ऐसा नहीं है जब ये पहली बार हुआ है। करनाल अनाज मंडी में धान घोटाला काफी समय से चल रहा है। इसमें मार्केट कमेटी के कई अधिकारियों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था, जो कि न्यायालय में विचाराधीन है। अगर ऐसा भी कहा जाए कि फर्जी गेट पास का ये गोरख धंधा बिना आड़तियों के नहीं चल सकता, तो गलत नहीं होगा। यदि आड़ती के पास जो किसान की फसल आई, वो किसान की जमीन देखी जाए या जांच की जाए, तो धान घोटाला अरबों खरबों तक पहुंच सकता है। अब हैरानी की बात ये हो रही है कि ऑनलाइन गेट पास कटे तो आड़तियों के पास ऑनलाइन गेट पास कटने का पासवर्ड और एडमिन आखिर कहां से आया? क्या इस सारे धान खरीद घोटाले में मार्केट कमेटी के अधिकारी शामिल हैं? यदि नहीं, तो आड़तियों के पास एडमिन और पासवर्ड कैसे आया कि बिना वाहन आए गेट पास कटते चले गए? क्या सचिव व सभी 8 प्राइवेट कर्मियों ने सरकारी पोर्टल की आईडी व पासवर्ड का गलत इस्तेमाल किया है? यह गहन जांच का विषय है। इस घोटाले में आड़तियों के शामिल होने की भी आशंका है। वही करनाल डीसी निशांत यादव ने पत्रकारों को बताया कि बिना धान आए सीसीटीवी की फुटेज में जब मामले को गहराई से देखा गया, तब इस फर्जी धान घोटाले का पता लगा। समाचार एक्सप्रेस की नजर इस पूरे मामले पर बनी हुई है। जैसे जैसे इस मामले में आगामी कार्यवाही होगी या तथ्य आएंगे, आपको बताया जाएगा। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Raj Gharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Raj Gharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.